हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया दो खिलाड़ियों के बीच में एक जंग होने वाली है, जिस जंग को अभी आप देखने के लिए आ गए हो और उसकी कमेंट्री करने के लिए मैं तो यहाँ पे हाजिर हूँ। पहले खिलाड़ी का नाम है भैया म्यूपी, यानी माइक्रो प्रोसेसर। ये कुछ जाना पहचाना सा नाम लग रहा है कि नहीं? 8085, 8086, इन माइक्रो प्रोसेसर से भैया हम लोग डील करते आए हैं, इनको समझते आए हैं। 65 प्लस वीडियोस तो ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जी, तो यानी कि बड़े डिटेल में इस फंडे को अपन ने समझ लिया है। दूसरा खिलाड़ी है म्यूसी, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर। ये कुछ नया है, ये अभी तक शायद हमने नहीं देखा है। 8051 जो अभी हम आगे देखने वाले हैं, एक बड़ा ही शानदार माइक्रो कंट्रोलर है, तो उस पे जाए, उसको समझे डिटेल में, पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ भैया अपन समझे। इससे पहले भैया डिफरेंस तो जान लो म्यूपी म्यूसी का। तो ये जो दो खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला है वो समझने के लिए अभी आप उपस्थित हो, मैं कमेंट्री करने के लिए शुरुआती जो सबसे बुनियादी फंडामेंटल पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन पहले कर लेते हैं। दैट इज म्यूपी में ओनली म्यूपी देखने को मिलेगा, ये क्या स्टेटमेंट हुआ भैया? चलो इसका महत्व तब आपको समझ में आएगा जब अपन म्यूसी का पहला पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि डिफरेंस पॉइंट है। तो यहां पे म्यूसी क्या बोलता है कि मेरे पास सिर्फ म्यूपी नहीं है, म्यूपी तो है ही, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर तो है ही, साथ ही साथ मेमोरी एलिमेंट्स भी है, रैम, रोम, ये भाई साहब फंडा भी अपने पास, साथ ही साथ आईओ पोर्ट्स भी अपने पास है, साथ ही साथ टाइमर इफ रिक्वायर्ड वो भी अपने पास है, साथ ही साथ इंटरप्ट कंट्रोल्स भी अपने पास है, साथ ही साथ सीरियल पोर्ट भी अपने पास है। यानी आप बात समझ पा रहे हो, इतनी सारी चीजें विथ माइक्रो प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप फॉर्म्स द माइक्रो कंट्रोलर। यहां पे आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास ये सारी जो चीजें हैं, म्यूपी को छोड़ के ये सारी जो चीजें हैं ये एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, बाहरी तौर पे, अंदर नहीं होता भैया। ये अंदर ये वाला मामला नहीं देखने को मिलेगा आपको, तो इसलिए मैंने यहां पे बोला ओनली म्यूपी है कि नहीं, यहां पे सिर्फ म्यूपी, और बाकी सारा मामला जो होगा वो सेकंड पॉइंट आपको बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि होने ही चाहिए, मेमोरी एंड आयो, मेमोरी रैम रोम वाला फंडा और अपने आईओ पोर्ट्स वाला फंडा, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये कनेक्टेड है एक्सटर्नली, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना, एक्सटर्नली। इसीलिए मैंने सिर्फ यहां पे ओनली म्यूपी लिखा है, क्योंकि बाकी के एलिमेंट जो है वो एक्सटर्नली, एक्सटर्नल बस के थ्रू आपके कनेक्ट किए जाएंगे, तो ये एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है। और यहां पे तो जरूरत ही नहीं है, यहां पे तो हमने सब कुछ देख लिया कि ये सारी चीजें जो है, इससे भी ज्यादा और चीजें अगर रिक्वायर्ड होंगी एप्लीकेशन स्पेसिफिक तरीके से तो वो वहां पे इंक्लूड की जा सकती है। और यहां पे सब कुछ ऑन अ चिप टुगेदर, साथ में मिलके काम करते हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ऑब्वियसली बात है, अगर सब कुछ एक्सटर्नली कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली बात है यार, आपकी जो सर्किट साइज होगा, जो फाइनल सर्किट आपका बनेगा वो बड़ा सर्किट होगा जी, बहुत ज्यादा उसकी साइज होगी, है ना? लेकिन यहां तो ऐसा मामला नहीं है, यहां पे ये सब कुछ आप जो है एकजुट करके एक ही चिप में आप सामने ला रहे हो यूजर के, सही बात है कि नहीं? तो यहां पे आपका जो इंटरनल सर्किट स्पेस है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, जो साइज है वो कम से कम होगी, स्मॉल होगी, और इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही स्मॉल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यहां मैं लार्ज सर्किट साइज की बात करता हूं, जो कि यहां एग्जिस्ट करता है म्यूपी में, अगर हम लोग एक्सटर्नल कनेक्शन जोड़े और वो पूरा सर्किट बड़ा बनता है, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे बड़े सर्किट्स को हम अपने कॉम्पैक्ट सिचुएशन में, जहां पे स्पेस बहुत ही क्रिटिकल चीज होती है, जहां पे आपका जो स्पेस है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये सिस्टम्स बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, तो वहां पे भैया ये ऐसे लार्ज सर्किट साइज वाला फंडा नहीं चलता, तो इसीलिए इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर म्यूपी। लेकिन जब हम यहां पे स्मॉल सर्किट्स की बात करते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमें एक अपनी जो सिंगल चिप है, माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, तो वो कॉम्पैक्ट सिस्टम्स में बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत बखूबी तौर से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पे स्पेस रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और साथ ही साथ उन्हें कॉम्पैक्ट सिस्टम्स आप बोल सकते हैं। सो अ टिक मार्क इज देयर एंड अ बिग नो इज हेयर। अगला पॉइंट देखते हैं भैया, पर्सनल कंप्यूटर्स में इसका बहुत बोलबाला है भैया, माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा तादाद में, चाहे सर्किट बड़ा भी हो लेकिन आप पर्सनल कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां पे म्यूसी की जब मैं बात करता हूं तो एम्बेडेड सिस्टम उसका भैया किला है, वहां पे ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है माइक्रो कंट्रोलर्स का किया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, अपना माइक्रोवेव ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गए, तो ऐसे जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ना, वहां पे रिस्पेक्टिवली आपके माइक्रो कंट्रोलर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं भैया अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कहता है कि म्यूपी जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, वो सस्ता चीज नहीं है भैया, महंगी चीजों का शौक होगा तो ही भैया इसके पास जाना, यानी कि ये हाई कॉस्ट है भैया, है कि नहीं? इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आपको
भारी लगेगी, यानी कि भारी मात्रा में पैसा लगेगा यहाँ पे हाई कॉस्ट। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइज भी बड़ी है, कॉस्ट भी ज्यादा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे साइज भी कम है, कॉस्ट भी कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलेगा, तो सस्ती चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाई पावर, अरे भाई साहब इसका हाई तो खत्म ही नहीं हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये हाई 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 किए जा रहा है अपना म्यूपी, यहाँ पे हाई पावर कंजम्पशन भी है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, अगर आप एक बड़ा सा सर्किट जिसमें एक्सटर्नली आपने सभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखा है तो दे विल बी कंज्यूमिंग मोर एंड मोर पावर, तो यहाँ पे हाई पावर कंजम्पशन है। और यहाँ पे कंपेरेटिवली तो लेस ही होगा क्योंकि वो सारा मामला यहाँ है ही नहीं जो कि म्यूपी में है, म्यूसी में तो पूरी अलग ही दुनिया है, ऑन अ सिंगल चिप यू विल फाइंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली जो है लेस पावर कंजम्पशन है। जो भैया अपना वो स्टोर्ड पावर सिस्टम्स होते हैं ना उसके लिए बड़ा एप्लीकेबल बन जाता है माइक्रो कंट्रोलर, बट ये नहीं भैया क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही पावर कंजम्पशन लेने वाला है। आगे बढ़ते हैं भैया और लास्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ भैया, जीपीए मतलब क्या, जनरल पर्पज एप्लीकेशन, जनरल पर्पज एप्लीकेशन, जनरल पर्पज वर्क की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, जहां पे बहुत लोड्स ऑफ डेटा के साथ जो है आपको डील करना पड़ता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करना पड़ता है, कुछ जनरल पर्पज प्रोसेसेस होते हैं जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, तो वहां पे भैया म्यूपी जो है बहुत ही डट के खड़ा होता है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन म्यूसी का भैया इलाका ही अलग है, दुनिया ही अलग है। म्यूसी क्या बोलता है, ASS, ASS मतलब क्या कि यहां पे मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम की। क्या बात कर रहा हूं मैं भैया, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम, जहां पे हम जैसे मैंने बोला ना माइक्रोवेव ओवन हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, एम्बेडेड सिस्टम्स मोस्टली इसी तरीके से एप्लीकेशन स्पेसिफिक वे में काम करते हैं, तो वही चीज जो है आपको यहां पे म्यूसी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है भैया, क्लियर है बात, ये सारे पॉइंट्स आप तक मैंने पहुंचा दिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर भैया ये सारा डिफरेंस वाला फंडा आपके समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।